नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कश्मीर जल रहा है, जन्नत जल रही है। महीने भर से ज्यादा होने चले, लेकिन कश्मीर की हालत में अब तक सुधार नहीं हुआ है। गृह मंत्री कहते हैं कि हालात गंभीर है। पीएम कहते हैं कि जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए, उनके हाथों में कुछ लोगों ने पत्थर थमा दिए हैं। सरकार और विपक्ष कश्मीर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन में चर्चा होगी तो कश्मीर में अमन का मैसेज जाएगा, लेकिन क्या पीडीपी बीजेपी सरकार के पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे घाटी में फैली अशांति दूर हो सके, या विपक्ष के पास ऐसा कोई कारगर प्लान है जिसे लागू करने से कश्मीर में शांति बहाल हो सके। सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन कश्मीर में आग पूरी तरह से कभी शांत नहीं हुई। सवाल है कि क्या दिल्ली में बैठी सरकारें इसको जानने में नाकाम रही हैं कि कश्मीर में अमन का असली विलेन कौन है। यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अतुल अंजान है, लीडर सीपीआई। मेरे साथ राकेश सिन्हा है, आरएसएस थिंकर। मेरे साथ आरके मल्होत्रा है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ सुदेश वर्मा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। अमित रैना है, रूट सिंह कश्मीर से। और रविंदर शर्मा है, चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, जम्मू से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सुदेश वर्मा, मैं आपके पास आऊंगा। सरकार में आप दिल्ली में भी हैं और सरकार में आप कश्मीर में भी हैं, और सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है कि अगर कोई असामाजिक तत्व या कोई भी अनसोशल एलिमेंट किसी भी जगह कुछ माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा हो तो उसको काबू में किया जाए। सर, महीने भर से ज्यादा हो गए, आज 32वां दिन है जब कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, और आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा जिससे आप इस जलती हुई कश्मीर की आग पर पानी डाल सके और कश्मीर में शांति बहाल कर सके, क्यों? सुदेश वर्मा। देखिए गौरव जी, काश इतना आसान होता जितना कि आप बता रहे हैं, तब तो हम रिजॉल्व कर चुके होते। अब तक आपने बताया लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, लेकिन जो भी कश्मीर को जानते हैं उन्हें पता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सिर्फ नहीं है, इसमें एक इंटरनेशनल डायमेंशन है। हमारा मानना है कि जो इंटरनल क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने के लिए लोगों ने एक सरकार को चुना है। सर, मैंने कब कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है? जो बहुत मैंने कब कहा कि ये केवल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है? सर, आप जब जानते हैं कि विलेन कौन है, आज हमने नाम भी सुन दिया, वैली का विलेन कौन? सर, अगर आप जानते हैं वैली का विलेन कौन है, आप अगर जानते हैं कि असल प्रॉब्लम क्यों है, तो अब तो आपको अभी तक प्रॉब्लम पर एड्रेस कर देना चाहिए था। क्या किया आपने? जी जी, देखिए जो 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 समस्या 60 साल में नहीं रिजॉल्व हुआ, आप सोच रहे हैं कि 2 साल में रिजॉल्व हो जाएगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पहले बार किसी सरकार को इतना भारी मैंडेट मिला है, और यही कारण है, इसी मैंडेट से खफा होकर जो बैठे हुए पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो हमारे युवा को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी बात, जिसकी चर्चा आज प्रधानमंत्री ने की, जिनके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए वो पत्थर उठाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर मार रहे हैं। उन्हें जो भी चाहिए, जो भी जम्मू एंड कश्मीर की जरूरत है, हम लोग बात एलिनेशन की करते थे, उस एलिनेशन को दूर करने के लिए ही ये सरकार आई है। सर, वही तो बात है ना, 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज दिया गया है। सर, सुनिए, शुरुआत हो रही है। सुदेश वर्मा, एक बात समझिए, हमने इससे पहले कश्मीर में देखे हैं, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखे हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ सिंबॉलिक, हालांकि पत्थरों वाले विरोध प्रदर्शन भी देखे हैं जब पत्थर फेंके जा रहे हो, लेकिन इस बार विरोध प्रदर्शन मालूम है आपको क्यों हो रहा? सुदेश वर्मा, इस बार विरोध प्रदर्शन एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद हो रहा है, और इसलिए ये विरोध प्रदर्शन ज़्यादा खतरनाक है, जिस पर आपकी और पीडीपी की सरकार काबू नहीं कर पा रही है। इस बात की समझ आपको है सर कि ये कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में? गौरव जी, बिल्कुल है, और हमारा ये मानना है, गौरव जी, हमारा ये मानना है कि ये एक वास्तविकता की बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पाकिस्तान की जो तिलमिलाहट पूरे विश्व में आई है, आप बताइए, एक आतंकवादी मारा जाता है, इंडिया का इंटरनल अफेयर्स है, उस पर पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जाए, तो पाकिस्तान इतने बुरी तरह से आज तक एक्सपोज नहीं हुआ। चलिए, मेरे साथ जम्मू से रविंदर शर्मा जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, मैं उनसे उनका टेक लूंगा। रविंदर शर्मा, जो बात बीजेपी कह रही है, क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई जिससे स्थिति नहीं संभली? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है गौरव जी, जैसे आपने कहा कि ये यकायक एक आतंकवादी के मरने के बाद इस तरह के हालात क्यों बने? इन्होंने उन संकेतों को नज़रअंदाज किया जो पिछले 1-1.5 साल से वहाँ माहौल बन रहा था। मिलिट्रेटों के जनाजे पे हज़ारों लोग इकट्ठे हो रहे थे हर जुमे पे, और वह जो है वहाँ ISI और पाकिस्तान के झंडे चढ़ रहे थे, और सरकार कहती थी ये बोखलाहट में अपनी हाजिरी दिखाते हैं मीडिया में, और इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। नीचे से माहौल जो है वो बनता गया,
और एक वक्त ये तो एक बुरान बानी का हादसा तो जो सरकार मानती है, ऐसे लोग सत्ता में हैं जिन्होंने आतंकवाद के बारे में भी क्या कहा है और आतंकवादी के बारे में भी क्या है वो भी देश ने सुना। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं आज का इशू नहीं है रविंद्र शर्मा 60 साल पुराना इशू है। आप भी सरकारों में रहे, आपके भी सरकारें रही हैं, बिल्कुल कहता हूं आपके सरकारों में भी विरोध प्रदर्शन बहुत हुए हैं। ऐसे पिछले 2 साल से ज्यादा मोदी सरकार केंद्र में है और जम्मू कश्मीर में भी 1.5 साल से ये सरकार है और उसके बाद मुझे बताइए कि ये हालात बनते रहे। इन्होंने कौन सा इनिशिएटिव जो है, कर्फ्यू था, 120 लोग मारे गए थे, इनिशिएटिव कश्मीर फ्रंट पे हुआ और जो हालात गंभीर बनते जा रहे थे उसको नजरअंदाज किया गया कि यकायक जो है एक ऐसा माहौल बना कि पूरी कश्मीर वादी आज 32 दिन हो गए कर्फ्यू नहीं खुल रहा। इतनी गंभीर स्थिति है और इस हालात में प्रधानमंत्री जी 31 दिन के बाद उस पर जरा रिएक्शन दे, किस किस्म का माहौल वहाँ आपको महसूस करना होगा कि वहाँ वो लोग भी हैं जिन्होंने कश्मीर वादी में 70% 80% हिंदुस्तान की जमहूरियत में हिस्सा लिया हमेशा, ठीक है, और मिलिटेंट और पाकिस्तान की ताल को इग्नोर किया और उन लोगों को ये तो कांग्रेस का आरोप है, लेकिन एक बयान अंदाज करते हैं, इसलिए गंभीरता को समझा नहीं ना केंद्र ने और ना रियासत सरकार ने, ये पूरी तरह से जिम्मेवार है जो मौजूदा सरकार बनी हुई है। ठीक है सर, आपने अपनी बात कही। राकेश सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश सिन्हा, मेरा सवाल आपसे थोड़ा अलग है। राकेश सिन्हा, सवाल यह है कि जिम्मेदारी तय करने बैठे तो सरकार की जिम्मेदारी अलग नहीं की जा सकती। सरकार की जिम्मेदारी भी है कि भाई कश्मीर में हालात काबू में क्यों नहीं आ रहे, लेकिन क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी तय की जा सकती है? आपको लगता है कि इशू कुछ और है जिसको हम समझ नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं उस इशू को एड्रेस करने की जरूरत है? कश्मीर जो इतना बेकाबू हो रहा है और खासकर साउथ कश्मीर जहां इतने हालात बिगड़े हुए हैं। देखिए, एक बात तो मैं बताना चाहूँगा, इस देश में कम से कम इस बात की परिपक्वता है राजनीतिक दलों में कि कश्मीर की समस्या को वे किसी दल विशेष से जोड़कर नहीं देखते, चाहे शासन कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। अब सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, जो सरकार रहेगी ब्लेम भी उस पर आएगा, क्रेडिट भी उससे मिलेगा। लेकिन एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि जिसे हम कश्मीर की समस्या बार बार कहते हैं, आप समझिए जम्मू कश्मीर पूरा स्टेट है, जम्मू कश्मीर में एक कश्मीर है, कश्मीर में एक साउथ कश्मीर है, साउथ कश्मीर के 3 जिलों में ये समस्या है, ये है अनंतनाग, सोपियान, कुलगाम और पुलवामा। इन 3 जिलों में परंपरागत रूप से प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स का कुछ हिस्सा रहा है और ये परंपरावादी आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी नहीं, कट्टरपंथी हैं। जैसा कट्टरपंथ दुनिया के अन्य हिस्सों में हो रहा है वैसे ही कट्टरपंथी हैं। आप इनका जितना ही तुष्टीकरण कर लें, आप पूरा भारत इन्हें दे दें, ये मानने वाले नहीं है। इनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं तो सर, फिर इनके लिए कोई दूसरा तो तरीका होगा ना इनको काबू में लाने के लिए। मैं दो बातें पूरा कर लूं। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, लाल डेंगा से भी बात हुई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संविधान के अंतर्गत ये बात करना चाहे तो किसी को कोई कभी मना नहीं किया, लेकिन कोई कहे कि मैं संविधानेतर जाकर बात करूंगा, पुलिस स्टेशन में आग लगा दूंगा, पुलिस स्टेशन में आग लगाने के बाद हम पर कोई आप हम अपनी रक्षा में कोई पुलिस अपना हमला भी ना करे तो ये नहीं चलता। सर, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि वाजपेयी के रास्ते पे चलना होगा, तो क्या ये संघ की भी आइडियोलॉजी है? संघ का भी मानना है कि महबूबा मुफ्ती जो कह रही है उसके मुताबिक सेपरेटिस्ट से बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, एक पीडीपी में जो बुनियादी बदलाव हुआ है, जो पीडीपी कल तक सिर्फ अलगाववादियों का नेतृत्व तो भाषा बोलती थी, उसमें डाइल्यूशन हो रहा है। आज सरकार के रूप में उन्हें जिम्मेदारी का आभास हो रहा है, उनके नेता अलग तलग जो जो बयान देते हैं, लेकिन सरकार के रूप में वो केंद्र सरकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बात मैं यहां जोड़ना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं 30 सेकंड में जोड़ना चाहता हूं। नहीं, बोलिए। जो लोग कश्मीर में अलगाववाद में इतना आत्मविश्वास रख रहे हैं उसके पीछे एक और भी कहानी है। कुछ लोग दिल्ली में भी बैठकर उस अलगाववाद को फूंकते हैं, उसको वैचारिक देते हैं। हमारे अतुल अंजान जी बहुत परिपक्व नेता हैं और सीपीआई के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी एक सवाल है कि उनकी पार्टी के लोग और राहुल गांधी क्या करने गए थे जेएनयू में? जवाब दीजिए अतुल अंजान जी। प्रोफेसर कह रही है कि कश्मीर पर भारत ने इलीगल कब्जा कर लिया, जब उनकी पार्टी का कश्मीर को भारत से आजाद करने की बात कर रहा था। ठीक है, जवाब दीजिए अतुल अंजान जी, आपके ऊपर बड़ा आरोप, आप दिल्ली में बैठकर कश्मीर के अलगाववादियों को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको कोई आरोप नहीं है? ये लंगोटियों का आरोप है, ये लंगोटियों का आरोप है, कोई आरोप नहीं है। आज इनके जिम्मे आ गई है सरकार, आरोप लगा के नहीं बचेंगे। ये बताइए कि पीडीपी की मुफ्ती, वो क्या कहते हैं, महबूबा मुफ्ती अब कह रही है
और निर्मल सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होना चाहिए, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बोल रहे हैं, पीडीपी और बीजेपी की सरकार है ये, बोलो बम और तौलो कम की सरकार। आज कहां की जो मैंने सवाल उठाया उसका इतिहास की बात जी, क्यों भाग रहे हैं? अरे चलिए सुनिए ना, आप बोलिए मत बोलिए, देखिए बात सुनिए, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए जरा, हमको मत बताइए। और आप हमसे ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, हमसे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, सुनिए। मैं आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, मैं आप जब आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। आप बड़े भारी राष्ट्रभक्त बन गए, बड़े राष्ट्रभक्त बन गए, अब आपके मुंह से नहीं निकल रहा सारा प्रसाद मुखर्जी। अरे सुनिए ना, बात कर रहे हैं, आप बोल नहीं पाएंगे।